हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सास भू कुकिंग में स्वागत है। मैं आज आपको सिखाऊंगी पालक को स्टोर करना। जी हाँ, पालक को भी स्टोर किया जा सकता है, वो भी लंबे समय तक। मैं आपको बताऊंगी अब पालक को लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जा सकता है। मैंने इधर 2 किलो करीब पालक लिया है और इसे अब मैं साफ करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं एक डंठल लूंगी और इसको देखिए बीच में से जो उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, पहले मैं वो तोड़ूंगी। देखिए, एक बार में जितने भी छोटे पत्ते हैं वो तोड़ लूँगी और फिर एक साथ जितने भी बड़े पत्ते हैं वो एक साथ तोड़ लूँगी। इस तरीके से हमारा पालक जल्दी से संभल जाता है। पहले बड़े नहीं, छोटे पत्ते तोड़ने हैं, बीच के जितने भी पत्ते हैं, और फिर एक साथ इकट्ठा करके बंच करके बड़े पत्ते तोड़ लेंगे। इससे हमारा पालक वेस्ट भी नहीं होता है और जल्दी संभल भी जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी मेरा पालक संभल चुके हैं। मुझे पालक संभालने में, 2 किलो पालक संभालने में 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अब मैं इसे अच्छे से धो लूँगी और इसे बारीक बारीक काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस चलनी में मैं थोड़ा थोड़ा पालक करके इसे धो लूँगी। जिस तरह से 2 किलो हमारा पालक हमने लिया है वो पूरी चलनी में नहीं आ सकता, जितना आ सकता है उतना हम धो लेंगे। इसे धोने में 2 से 3 बार पानी लगेगा। ये फ्रेंड्स, मैंने अपना पालक अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। देखिए, इस तरीके से हम लोग बारीक बारीक इसे काट लेंगे। काटने के बाद इसे सुखाने के लिए रख देंगे छाया में, वो भी घर की फैन की में हवा में रख सकते हैं सुखाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पालक सूख चुका है। इसे मैंने 2 दिन पंखे के नीचे रखकर सुखाया था। देख सकते हैं कितने अच्छे से सूख चुका है। पालक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जितना पालक हमें चाहिए प्लेट में ले लेंगे और इसे गुनगुने पानी में डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसे चम्मच की सहायता से हिलाते हुए देखिए इस तरीके से पानी में मिक्स करेंगे। जब गुनगुने पानी में मिक्स करेंगे तो ये आपका वैसे ही पुराना वाला पालक बन जाएगा। इसे ज्यादा नहीं रखना, मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना मेरा वही पालक तैयार जो हमने काटा था। वही रंग, वही टेक्सचर। ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद ये कलर चला जाएगा, ये कलर वही के वही रहेगा। अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे और इसे इस्तेमाल कर लेंगे सब्जी बनाने के लिए, परांठे बनाने के लिए, या फिर आपको जो डिश बनानी है उससे वो डिश बना सकते हैं। परांठे कैसे बनते हैं पालक के, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार बनाइएगा आप जरूर। 2 किलो पालक लिया था मैंने और ये कितने अच्छे से सूख कर एक थैली में मैंने बंद कर दिया है। इसे फ्रीज में भी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉअर में अपने स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। इसे परांठे बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, और ये भी मैंने इसकी रेसिपी आपको बता रखी है, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी।